नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लॉगर 47 पे। आज हम चलने वाले हैं एक पुरानी इमारत के पास, तो आज आपको वो दिखाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए, अभी चलते हैं अपन। तो हम निकल चुके हैं अपने सार के और अभी धैर्य रखिए, थोड़ा आप शीघ्र ही पहुंचा देंगे टारगेट के पास। तो दोस्तों, ये था अपना आज का टारगेट। इसका नाम है अल्बर्ट हॉल और इसका पूरा नाम है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जिसका निर्माण जो हो रहा था, फर्स्ट नींव थी वो 6 फरवरी 1876 में रखी गई थी। और इसको पब्लिक के लिए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जब घोषित किया तब 1887 में किया था। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और ये काफ़ी साल पुराना है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट नींव का मैंने डेट बताया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना है ये। और अंदर में इसके काफ़ी पुरानी कलाकृतियां हैं। और यहाँ पे देखो, कबूतर दिखेंगे आपको। और ये पूरा अल्बर्ट हॉल है और अभी दिखाएंगे आपको अंदर से। बाहर से देख सकते हैं आप कितना आलीशान है, और आपने देखा भी होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर वगैरह वीडियो वगैरह बनवाने आते हैं। जैसे ये भाई लोग भी आ रहे हैं, कबूतर उड़ा रहे हैं। ठीक है, कुछ छछुंदर होते हैं ऐसे जो कबूतरों को खाने नहीं देते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यहाँ पे राजाओं के जो मेहमान आया करते थे वो भोजन किया करते थे, राजशाही भोजन। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। इसमें मदिरा भर के रखा जाता था नाइस पुराने टाइम में मेहमानों के लिए। ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है जो नेपाल के थे, सोने की बनी हुई पूरी। ये बर्तन मेहमानों की टेबल के लिए, और इसमें सब्जी आती थी, इसमें छाछ, इसमें दही। कैसा लगा मेरा मजाक? ये सारे बर्तन हैं, कोरोना टाइम में देख लो बर्तनों पे भी कलाकृति होती थी, देख सकते हो। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पूरा कलाकृतियों का महल है। हर चीज पे कला करते थे, बिना कला करती के बर्तन भी यूज नहीं करते थे पुराने समय में। अच्छा, यहाँ पे मूर्ति कला दिखेगी आपको, काफी सारी मूर्तियां बनाई गई। ये आ गए हम अस्त्र शस्त्र कक्ष में। यहाँ महाराजा की सुरक्षा में इतने सारे अस्त्र शस्त्र होया करते थे। अपन ने तो काफी कम देखे हैं,
बट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ऐसे सेनापति होया कर रहे इस वेशभूषा में, पूरा लोहे से ढका हुआ शरीर, ये सभी दस्ताने और ये आ गई लंबी बंदूक, इतनी लंबी बंदूक के संभालते थे पीछे। ये वाले मॉडल आपने शायद नहीं देखे होंगे, देखो अपनी हाइट के बराबर की बंदूक के पिछले लोग चलाते थे ये खंजर। पुराने टाइम वाले लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, देखो किस टाइप के महल बना देते थे, हर एक छोटी चीज़ पे कलाकृति बना देते थे, लाजवाब। ओम नमः शिवाय, ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ। ये आगे वाद्य कक्ष में, पुराने टाइम की होड़ नहीं हो सकती, पुराने जमाने में गिटार ऐसे होते थे, देखो ये ढोलक। तो कैसा लगा आपको अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आज बहुत ही मज़ा आया, मैं भी फर्स्ट बार आया हूँ यहाँ पे, तो मेरे को मज़ा आया और आपको भी आया होगा, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और यहाँ पे क्या है कि पुराने कलाकृति ही दिखेंगे आपको हर चीज़ पे, हर छोटी से बड़ी चीज़ पे आपको सिर्फ कलाकृति दिखेगी। और फ़ोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, और यहाँ के वीडियो जो रील्स वगैरह होती है वो काफ़ी वायरल होती है। एंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, एंड मेरे काफ़ी सारे जो व्लॉग मैंने पोस्ट किए वो भी आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो प्लीज़ उनको भी देखना। एंड कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कैसा लगा, और नेक्स्ट व्लॉग मैं कहाँ का बनाऊँ वो भी आप बता देना। एंड लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अभी अपन को जल्दी से GoPro लेना है, तो GoPro आपके सपोर्ट से ही आएगा, क्योंकि ऐसे ही खर्चा तो बहुत कर चुके हैं, तो अभी ज़्यादा खर्चा करने के लिए पहले होना चाहिए कि हाँ अपन को YouTube से सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर अपन आगे का सोचे। एंड थैंक यू सो मच आप यहाँ तक वीडियो देखने आए, और आगे भी सपोर्ट रखिएगा, कोई भूल चूक तो माफ़ करना। एंड किस टाइप का वीडियो आपको लगा, जैसे कुछ कमियाँ हो तो मेरे को सुधारने के लिए आप ज़रूर हिंट देना, क्योंकि अभी नया नया मैं स्टार्ट किया हूँ ये व्लॉगिंग, तो आप मेरे को ज़रूर बताना। और नेक्स्ट जो अपना टारगेट है वो कहाँ का रखे तो वो भी आप बता दो, तो मैं आपके हिसाब से ले चलूँ वहाँ पे। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे, ज़्यादा लोग की डिमांड होगी कि उस जगह को दिखाओ, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहिए।